डियर स्टूडेंट, आज अपन जो अपने टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आशा कर रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, पहला पेपर भी आपका अच्छा हुआ। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिलेटेड टू इवोल्यूशन, यानी निम्न में से उद्विकास के संबंध में कौन सा विषम है। तो यहाँ अपन देखें, हर्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स दे आर होमोलोगस, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स ये भी होमोलोगस हैं, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट ये भी होमोलोगस हैं, इसका मतलब विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स दे आर एनोलोगस, तो इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलोगस स्ट्रक्चर समझात संरचनाएं क्या हैं। इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि ऐसे कोई भी ऑर्गन, द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड ओरिजन बट मे बी डिफरेंट इन फंक्शन, फंक्शन का डिफरेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि उनके अलग अलग तरह का जो हैबिटेट है उसके रिक्वायरमेंट का अलग हो सकता है। तो एनाटॉमिकली डिफरेंट बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट इन सेम डायरेक्शन नहीं, ये भी रॉन्ग है। दे आर इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, डिफरेंट एंसेस्टर नहीं भी सेम एंसेस्टर है, तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। फिर है, दे आर एनाटॉमिकली सेम, बिल्कुल राइट कंडीशन, एनाटॉमिकली फंडामेंटल स्ट्रक्चर इनकी सेम है, तो ये करेक्ट है, इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास के उदाहरण है। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये है कि डिफरेंट जो हैबिटेट है उनके ऑर्गेनिज्म एक सेम इन्वायरमेंट में अगर माइग्रेट होकर के आते हैं। तो देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन ठीक है, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स एनालोगस, पाउस्ड मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल्स, पाउस्ड मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया इज एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नॉट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियन एंड प्लेसेंटल मैमल, इट मीन्स फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन दे आर एनालोगस, एंड आइज ऑफ ऑक्टोपस ऑफ मैमल दे आर एनालोगस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियन एंड प्लेसेंटल मैमल दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इट मीन्स ए बी एंड डी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स आर अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, ये अपना एनसीईआरटी के अंदर जो रे डायग्राम दिया है उसको आप देखोगे तो आपको दिखेगा एंजियोस्पर्म्स आर अपीयर्ड इन क्रिटेशियस पीरियड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर दैट कॉज चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को लेकर आपको बताया था कि लार्ज पॉपुलेशन, रेंडम मेटिंग ये जरूरी है, इसके अलावा जेनेटिक ड्रिप इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, माइग्रेशन इस पर इफेक्ट डालेगा, म्यूटेशन भी इस पर इफेक्ट डालेगा, इसका मतलब रेंडम मेटिंग है वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसका मतलब रेंडम मेटिंग, तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, द प्राइमेट्स विच अरोज ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन द 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो, प्राइमेट्स जिनकी उत्पत्ति 75,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूरा हिमयुग में हुई, दे आर मॉडर्न मैन होमो। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्पार्क चैम्बर एपरेटस ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट, मिलर के स्पार्क प्रयोग में निम्न में से कौन सी गैस उपस्थित नहीं थी, तो इसमें क्या था, मेथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, इसका मतलब मेथेन इज करेक्ट, अमोनिया इज करेक्ट, हाइड्रोजन इज करेक्ट बट हाइड्रोजन सल्फाइड इज एबसेंट, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्कर्ड विद द जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इनकरेक्ट सेलेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, आनुवंशिक विचलन के संबंध में कौन से कथन गलत है, तो अपने को देख रहे क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मेंटेन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इनकरेक्ट, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन नहीं करता है। इफ जीन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम इन द सेम पॉपुलेशन इट मे कॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट, यदि एक जनसंख्या में जीन स्थानांतरण कई बार होता है तो यह आनुवंशिक विचलन का कारण हो सकता है, बिल्कुल ये इट इज करेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑलवेज अकर्स इन ए लार्ज पॉपुलेशन, नो आपको बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑलवेज अकर्स इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो फॉल्स। इट
इज ए चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी विच अकर्स बाय चांस इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, ये छोटी जनसंख्या में सहसा संयोगवश जीनों की आवृत्ति परिवर्तित करता है, इट इज करेक्ट। तो इसका मतलब इनकरेक्ट की बात करें तो ए एंड डी आर इनकरेक्ट। यहाँ आप देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट मेंटेन हार्ड इक्विलिब्रियम, बिल्कुल फॉल्स है। इफ जीन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम, बिल्कुल बी इज करेक्ट है। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज अकर्स इन लार्ज पॉपुलेशन, इनकरेक्ट है। इट इज द चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसी विच अकर्स इन द चेंज, इसका मैं इनकरेक्ट की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट तो होंगे कौन सा, बी एंड डी आर करेक्ट। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें क्यों नहीं है, आ गया ए एंड सी, ए भी इनकरेक्ट है सी भी इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट ड्रायोपिथेक्स, ड्रायोपिथेक्स के बारे में आपने देखा था, दे आर मोर एप्लाइक देन मैन, ये मानव की तुलना में वन मानुष से अधिक समानता रखते थे। दे आर वेरी हेरी, बिल्कुल ठीक है, घने रोम उपस्थित थे। वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, बिल्कुल राइट, लेकिन दे आर एग्जिस्टेड अबाउट 2 मिलियंस, नो दे आर एग्जिस्टेड अबाउट 15 मिलियंस ईयर्स अगो, इट मीन्स डी इज इनकरेक्ट। और यहाँ पूछा आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब डी इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट एलर्जी, एलर्जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ बात करें एलर्जी टेंडेंसी कैन बी जेनेटिकली पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट, यानी एलर्जी की प्रवृत्ति सामान्यतः आनुवंशिक रूप से संतान में स्थानांतरित नहीं होती है। एलर्जी सिम्टम्स आर ड्यू टू सम केमिकल्स सीक्रेटेड बाई मास सेल, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, इट मीन्स इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ड्यूरिंग एलर्जी आई जी ई आर इंक्रीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चिल्ड्रेंस लिविंग इन मेट्रो सिटीज आर लेस सेंसिटिव टू द एलर्जेंस, नो चिल्ड्रेंस विच आर लिव इन मेट्रो सिटीज आर मोर सेंसिटिव फॉर एलर्जेंस, एंड इट इज इनकरेक्ट। तो पूछा आपने को नॉट करेक्ट की बात करेंगे, तो नॉट करेक्ट में ए इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट ड्रग्स इट्स सोर्स एंड एक्शन, कोकेन सोर्स है एरिथ्रोजाइलम कोका, प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज इन एनर्जी, राइट। निकोटीन टबेको स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन, फॉल्स, सीक्रेट टू एड्रिनल ग्लैंड फॉर एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, इट मीन्स इज फॉल्स। चरस कैनबिस सैटिवा सेडेटिव इफेक्ट, रॉन्ग। मॉर्फिन पेपर सोमनीफेरम इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, करेक्ट की बात करेंगे, विच ऑफ इनकरेक्ट की बात पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट में बी एंड सी आर इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ए और डी करेक्ट है, बी और सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, राइट, एक्सरेज का यूज करते हुए 3D इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आयनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा, जो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उनके लिए, राइट। रेडियोग्राफी बिल्कुल ठीक है एक्सरेज के द्वारा, लेकिन बोन मैरो टेस्ट तो केवल किसके लिए है, ल्यूकेमिया ब्लड टेस्ट के लिए है। तो कौन सी टेक्निक यूज होंगे, ए बी एंड सी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिवर सिरोसिस कॉज बाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एल्कोहल। Which of the following statement given below are wrong about the given diagram? The plant is Atropa belladonna. No. The plant is tobacco. It is used to increase the blood pressure. Tobacco, plant tobacco nahi hai. The plant is Papaver somniferum. Morphine is obtained from it. False. The plant is Datura. Have help. Bilkul right. Toh, iske liye wrong A, B and C are wrong about this diagram. The third is correct answer. Choose the wrong statement. ये देख लिया करो आप, wrong, correct या incorrect, wrong statement. Homology indicates common ancestry. बिल्कुल right. समझाता समान पुरुषता को इंगित करती है. Flippers of whale and wings of bat.
एग्जिबिट एनालॉजी, नो दे एग्जिबिट होमोलॉजी। क्यों? फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बताया था आपको। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल फॉल्स है। होमोलॉजी, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए एंड डी आर करेक्ट एंड बी एंड सी आर इनकरेक्ट, रॉन्ग। इट मीन्स सेकेंड इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सीड प्लांट्स अकर्स इन कार्बोनिफेरस पीरियड, राइट। एंजियोस्पर्म्स आर अपीयर्ड इन क्रिटेशियस पीरियड, राइट। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। डार्विन फिंचेज आर एग्जाम्पल ऑफ, बताया आपको, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नो। अब देखें डार्विन फिंचेज क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन है, बिल्कुल ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है, क्यों? कोई डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर वो माइग्रेट हुए हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट, फर्स्ट बर्ड्स आर अपीयर्स इन ज्यूरेसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, राइट। बट एंजियोस्पर्म्स आर नॉट डोमिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट एंड एंजियोस्पर्म अपीयर्स ड्यूरिंग ज्यूरेसिक पीरियड, इट इज करेक्ट बट इट इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 2000 मिलियंस ईयर्स ओल्ड, 20 बिलियंस, इट इज करेक्ट। ब्रह्मांड अत्यंत पुराना है, जो लगभग 2000 मिलियन वर्ष पुराना, ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताता है, बिल्कुल राइट। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर, बिल्कुल राइट। द गैसेज कंडेंसेड अंडर द ग्रेविटेशन ऑफ ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेन डिड द लाइफ अपियर्स ऑन अर्थ, देखना अबाउट, क्या बताया था आपको, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर, नॉट बिलियंस, यहाँ बिलियन है, तो 500 मिलियन होता तो इट इज करेक्ट होता। ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, बिल्कुल ठीक है। अर्थ इज अराइजेज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एंड आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैज अपीयर्ड, इट मीन्स इट इज करेक्ट आंसर, सेकेंड इज करेक्ट। ओपेरिन ऑफ इंग्लैंड एंड हेल्डन ऑफ रशिया प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इंग्लैंड के ओपेरिन, रूस के हेल्डन ने यह बताया कि जीवन का प्रथम स्वरूप संभवतः पूर्व उपस्थित निर्जीव कार्बनिक पदार्थों से हुआ। सारी बातें सही हैं, लेकिन ओपेरिन फ्रॉम रशिया एंड हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड, तो ये स्टेटमेंट क्या था, सही स्टेटमेंट था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। द अर्ली एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ वर हाई टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, बिल्कुल ठीक है। रिड्यूसिंग एटमोस्फियर कंटेन मीथेन अमोनिया एटसेट्रा, राइट स्टेटमेंट। इट मीन्स सेकेंड इज राइट स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। द हिस्ट्री ऑफ अर्थ कैन बी स्टडीड इन द टर्म्स इपोस पीरियड्स एरा ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, होमो इरेक्टस हैज ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc, करेक्ट। नेंडरथल मैन विद ए ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc लिव्ड इन नियर वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, यहां देखो पश्चिम नहीं पूर्व एशिया, तो इट इज इनकरेक्ट। होमो सेपियंस अरोज ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन 7500, नहीं, कितना होता है यहां पर 75,000, 75,000, तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो अगर बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड इन फीमेल, देखेंगे इंक्रीज एग्रेसिवनेस दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में है, फेशियल एंड बॉडी एक्ने बहुत में है, प्री मेच्योर ब्लडनेस समय से पूर्व गंजापन ये केवल मेल में है फीमेल में नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ वृद्धि रुकना बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि इनमें जो अपने ग्रोइंग बोन्स है उनकी एपिफाइजल प्लेट है वो ब्लॉक होने के कारण से ग्रोथ रुक जाती है, तो इसका मतलब नॉट साइड इफेक्ट, कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है, ये साइड इफेक्ट फीमेल के अंदर नहीं है, तो ओनली सी सेकेंड करेक्ट आंसर। एस्ट्रेशन, मॉर्फिन हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS, प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, इट इज फॉल्स, ये किसके लिए है, ये कोका एल्कलॉइड्स के लिए है, तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट बाइंड्स विद ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट द CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये CNS तथा जठरांत्र परत में उपस्थित ग्राही से जुड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब ये हो जाएगा एस्ट्रेशन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑर्गन इन विच इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएटेड इंटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स आर, वे अंग जहां पर एपरिपक्व लिम्फोसाइट विभेदित होकर एंटीजन संवेदी लिम्फोसाइट में बदलते हैं, इसका मतलब ये फंक्शन किसका है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, दे आर थाइमस एंड बोन मैरो, दे आर प्राइमरी, इट मीन्स बी एंड सी, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। Which of the following statement are suitable for vaccine like diphtheria, vaccine के लिए, it contain antibodies, antibody नहीं vaccine में, antigen हो सकती हैं, it used to develop artificial passive immunity, आपको बताया था passive immunity में केवल रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट रहते हैं, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, it provide immunity later but for prolonged period, बिल्कुल ठीक है वैक्सीनेशन के लिए, इट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में क्या होगा, डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट करेंगे, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, तो पूछा है सुटेबल फॉर वैक्सीन लाइक डिप्थेरिया, केवल एक ही सुटेबल है, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर ऑटो इम्यून डिजीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्व प्रतिरक्षा रोगों के बारे में, तो बताया सम ऑफ अवर बॉडी सेल्स अटैक ऑन द सेल्फ सेल्स, हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं स्वयं की कोशिकाओं पर आक्रमण करती हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, लिम्फोसाइट टी एंड बी ये भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन एंड मॉलिक्यूल एंड सेल्फ सेल्स लॉस्ट, बिल्कुल ये भी ठीक है, मोर एंटीजन आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, एंटीजन नहीं बनती हैं, तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रीजन ऑफ इम्यून डिजीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो ए बी एंड सी आर करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाई ऑब्जर्विंग द सिम्टम इन द पेशेंट, विच ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स आर इंडिकेट न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के लिए कौन से संकेत हो सकते हैं, हो सकता है हाई फीवर, बिल्कुल ठीक है, चिल्स, कफ और हेडेक, बिल्कुल राइट आंसर है, और यहाँ पर अगर होता टाइफाइड तो इसके लिए क्या होता, हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये हो जाता, लेकिन अपने तो क्या है निमोनिया के लिए, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। वार्निंग साइन ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज इंक्लूड, ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग के चेतावनी वाले संकेतों में सम्मिलित हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता में रुचि, इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, बिल्कुल फॉल्स, रुचि नहीं होगी, आइसोलेशन, डिप्रेशन एंड एग्रेसिवनेस, राइट, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल राइट, डिटरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्रों के साथ संबंध बिगड़ना, बिल्कुल सही है, तो कौन से साइन हो सकते हैं, बी सी और डी, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेसेसरी स्टेप फॉर द अचीविंग गुड हेल्थ आर, गुड हेल्थ के लिए वैक्सीनेशन, बिल्कुल सही है, अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, बिल्कुल सही है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, बिल्कुल सही है, रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो एसेंशियल, इसका मतलब सारे हैं, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट, कैनाबिनोइड्स आर नॉन फॉर देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, बिल्कुल राइट, केमिकल्स लाइक सर्स एंड गांजा बाइंड्स विद रिसेप्टर्स ऑफ ब्रेन एंड अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, कोई भी ड्रग है ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, करेक्ट, इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
केमिकल इवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय कौन? डायरेक्ट आंसर है मिलर्स एक्सपेरिमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? ध्यान रखना इनकरेक्ट, असत्य. होमो इरेक्टस फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, राइट. द नीएंडरथल मैन प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, राइट. डार्विन जजेस द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाई एबिलिटी ऑफ द डिफेंड इट सेल्फ. नो, डार्विन की फिटनेस तो क्या था? रिप्रोडक्टिवली फिटनेस था. इंडस्ट्रियल मेलानिन वॉज हाईलाइटेड इन द बिस्टन बिटुलेरिया, व्हाइट विंग्ड मॉथ. बिल्कुल राइट. इनकरेक्ट की बात करें तो ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट. इन ए पॉपुलेशन द टोटल इंडिविजुअल आर 3000 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 30%. इसका मतलब पी इज इक्वल टू 30% मीन्स 100.3. पी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 0.3. ठीक है. और हाउ मनी इज द टोटल डोमिनेंट? इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.7. क्या हो जाएगा? 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7 तो क्या गया? 0.09 प्लस 0.42 कितना होगा? 0.51. 51 अपॉन 100 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3000 से तो आंसर डायरेक्ट चला जाएगा. टोटल डोमिनेंट कितने हैं? सेकंड इज करेक्ट आंसर. वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन ड्यूरिंग मियोसिस रिकॉम्बिनेशन आर, इसका मतलब बात करें किसकी? म्यूटेशन. और म्यूटेशन में जो वेरिएशंस होती हैं वो रैंडम होती हैं, डायरेक्शन लेस होती है, स्वतंत्र होती हैं, दिशाहीन होती हैं. थर्ड इज करेक्ट आंसर. हेल्थ इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल, स्वास्थ्य व्यक्तियों को दीर्घायु बनाता है. बिल्कुल राइट बात है. लेकिन क्या है? रिड्यूस द इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टिलिटी, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर को घटाता है. बिल्कुल राइट बात है. रिड्यूस द फिजिकल फिटनेस, इंक्रीज करता है. गलत. डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है. इट इज रॉन्ग. इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. एस्ट्रेशन, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर सेम इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट मे हैव डिफरेंट फंक्शंस, राइट. शुरू में बताया था आपको मैंने. दीज ऑर्गन्स आर डेवलप इन डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड ऑफ द हैबिटेट. बिल्कुल बोथ एस्ट्रेशन एंड रीजन आर करेक्ट. लेकिन एक्सप्लेनेशन है बोथ एस्ट्रेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फोर्थ इज करेक्ट आंसर. प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन पोस्ट मेमल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताया. इट इज एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण से जब एशिया से सेपरेट हुआ ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पर इनका कोई अदर मेमल से कोई कॉम्पिटिशन नहीं था. तो ए बी एंड सी, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कंजुगेटिव एजेंट एच आई वी के लिए? देखे एच आई वी इज अन एनवेलॉप्ड. फॉल्स. एच आई वी डज नॉट एस्केप, एस्केप होता है इसीलिए इसका कोई वैक्सीन नहीं है. एच आई वी इज एनवेलॉप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नो टू मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. एच आई वी इज एनवेलॉप्ड वायरस दैट कंटेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इट इज करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद डार्विन, डार्विन के संबंध में कौन रिलेटेड नहीं है? पॉपुलेशन हैज वेरिएशंस एंड करेक्टरिस्टिक, बिल्कुल ठीक है डार्विन की बात. फिटनेस इज द एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, राइट. इवोल्यूशन इज डार्विन बाय यूज एंड डिसयूज. यूज एंड डिसयूज तो किसका था? लेमार्क का था. ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट. तो इसका मतलब नॉट रिलेटेड. थर्ड इज करेक्ट आंसर. थर्ड इज करेक्ट आंसर. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सीक्रेशन ऑफ इंटरफेरॉन्स इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, नो. टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट. इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट स्नेक विनोम इज द टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, नो. पैसिव इम्यूनिटी होता है. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस आर आई जी ए, नो. आई जी ए नहीं है, आई जी ई है.
इट इज करेक्ट. तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर. एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन सिम्टम ऑफ द एड्स अपीयर्स. एड्स के सिम्टम तभी अपीयर होंगे जब बहुत सारे लिम्फोसाइट, बहुत सारे टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो व्हेन HIV डिस्ट्रॉय मोर देन 80% ऑफ द टी हेल्पर सेल्स, इट इज करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल ए एंड बी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग दियर सोर्स. ए इज कोकेन. नो. बी इज हेरोइन. नो. बी कैनाबिनोइड. राइट. एट्रोपा बेलोडोना. फॉल्स. एट्रोपा बेलोडोना नहीं है, फॉल्स है. मॉर्फिन ए राइट है. पेपेवर सोमनीफेरम सेडेटिव एंड पेन किलर, इट इज करेक्ट आंसर. एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन. डार्विन्स फिंचेज अडेप्टिव रेडिएशन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियन अडेप्टिव रेडिएशन, प्लेसेंटल मेमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अप्रास्तनी, ये भी क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन है. तो ऑल फोर्थ इज करेक्ट आंसर. थीकोडोंट आर एंसेस्टर ऑफ, सभी हैं, बर्ड्स के भी हैं, क्रोकोडाइल भी हैं, सब है. तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर. मेक द करेक्ट स्टेटमेंट. इनका क्रम से बताना है, पहले राइनियाए हैं, फिर साइलोफाइटॉन, फिर प्रोजिम्नोस्पर्म्स. फर्स्ट करेक्ट आंसर. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर, होमोलोगस की बात कर रहे हैं तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एनालोगस, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालोगस, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिरिबर्ड्स. थर्ड इज करेक्ट आंसर. एस एन स्टेनले मिलर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ही टुक गैसेज, बताया था आपको, मीथेन ठीक है, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर. फोर्थ इज करेक्ट आंसर. एवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म. निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है. राइट. एवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस ऑफ इवेंट्स इन नेचर एंड चांस ऑफ म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल राइट है. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट.